नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो जैसा कि आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने पहला पार्ट इसका देख लिया होगा, जिसमें हमने तीन कैटेगरी में कटअप को डिवाइड किया था, जिसमें तीसरा जो कैटेगरी था उसमें हमने लास्ट में 3000 सीटों को कंसीडर करके कटअप आपको बताया था। इस बार हम 5000 सीटों को ले रहे हैं, तो तब देखते हैं आखिर कंप्यूटर साइंस के अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर बहालियाँ होती हैं स्टेट 2019 की, तो आखिर कटअप कहाँ जाएगा। तो जानने के लिए इस पूरे वीडियो में आप बने रहे। इस वीडियो का मैं आपको बता दूं, हमने इसका पहला पार्ट भी ऑलरेडी डाल रखा है, जो इसके जस्ट पिछला जो इसका वीडियो होगा वही इसका पहला पार्ट है। जैसे कि हम आपको इसका थंबनेल दिखाएं, तो ये वही वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने तीन कैटेगरियाँ बनाई थी। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। करीब 2000 लोगों ने इस वीडियो को अब तक देख लिया है, और काफ़ी सारे लोगों को कंप्यूटर साइंस में ये भी कन्फ्यूजन है कि आखिर BCA वालों ने एंट्री कैसे कर ली। तो BCA वालों ने आखिर कैसे एंट्री की, कैसे उन्होंने फॉर्म डाला और कैसे उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, तो इसका भी मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रखा है इस चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। करीब 2000 लोगों ने इस वीडियो को भी ऑलरेडी देख लिया है। और इस चैनल का एक हमने टेलीग्राम से, ये आपको जो ये लोगो दिख रहा है, आप इस नाम को अगर आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम में एक आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप इसमें आप ज़रूर जुड़ें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स होंगी वो आपको वहां पे सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अभी 5000 सीटों पर जो हमने कटअप तैयार किया है वो आखिर क्या है। तो इससे पहले आपको पता होगा कि हमने BCA BSC को भी आउट करके इसको बनाया हुआ, और ये हमारा UR और BC का रेंज है, इसी बेस पे हम आगे का सारा कट ऑफ तैयार किए हैं। तो आखिर ये रेंज कैसे क्या है, इसके लिए आपको, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इसका पहला पार्ट देखना चाहिए, तब आपको ये समझ आ जाएगा ये आखिर हमने क्या किया है। तो हमने आज 5000 सीटों पे जो कट ऑफ तैयार किया है उस पे चलते हैं। तो ये हमारा 5000 सीटों का आ गया आंकड़ा, जिसपे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जैसे कि आपको कहा कि 1673 सीटें हैं, और उसमें बैकलॉग सीटें 300 आ रही हैं, और बाकी 3027 सीटें जो हैं वो ऐड हो रही हैं, यानी कि टोटल 1673 में 3327 सीटें ऐड हो रही है। तो 3327 सीटें ऐड होने का मतलब है, जो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें UR ओपन का जो शेयर है वो 23.55 है, और BC ओपन का शेयर है 7.11, और दोनों मिला के शेयर है 30.66। तो UR ओपन का शेयर जो यहाँ पे 23.55 जो है, इसमें अगर हम 3027 में अगर UR ओपन का शेयर निकालो तो ये 783 सीट आता है, और अगर BC ओपन का निकाले तो ये 236 सीट आता है। तो यानी कि आप 783 और 236 दोनों को टोटल ऐड करो तो ये टोटल 1019 सीटें बन के आती हैं। तो 1019 सीटें बन के आती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पे जो हर एक नंबर के रेंज में 100 अप्रॉक्स कैंडिडेट आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे बात करें तो 1019 सीटें आ रहे हैं, यानी कि कटअप जो हमारा यहाँ पे बन के आएगा, तो आप देख सकते हो कि UR का कटअप जो यहाँ पे हमारा 114 था, तो वो UR का कटअप 105 आ जाएगा। UR का कटअप 105 आ जाएगा, और 5 नंबर के डिफरेंस को अगर हम मेंटेन करें तो BC का जो कटअप है वो 100 नंबर का यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये डाटा तब है जब जितने भी 17034 कैंडिडेट हैं वो वैलिड कैंडिडेट हैं। अगर उसमें कुछ कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होते हैं 100, 200, 500, तो ये जो यहाँ पर आपको डिक्रीमेंट दिखेगा वो बस 1-2 नंबर का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लेकिन आप अगर ये मान चलो जो वर्स्ट केस में अगर आपका उतने ही कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे UR का जो फाइनल कटअप है वो 105 ही बन के आएगा, और BC का कटअप यहाँ पे 100 बन के आएगा। बाकी जितने भी कैटेगरी वाले हैं, अपने स्कोर को आप UR के कटअप के अकॉर्डिंग, आपका जितना वहाँ पे डिफरेंस बन रहा है उस अकॉर्डिंग आप, जैसा कि हमने इसमें 10 नंबर का लगभग इसको हमने घटाया है, तो वैसे ही आपको वहाँ पे 10-10 नंबर वहाँ पे आपको घटा लेना है, तो वो आपका फाइनल कटअप हो जाएगा। बाकी इस सारे कैटेगरी का भी हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन एक ही चार्ट में हम आपको किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, और बाकी फीमेल्स पे भी हम एक
आपको एक स्पेशल वीडियो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या उनका कटअप जाएगा। वैसे अगर आप इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हो और अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा हो तो आपको अंदाजा अब तक मिल गया होगा कि आखिर हमारा कटअप कहाँ जा रहा है। बाकी काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि एसटीटी कटअप मार्क्स के अकॉर्डिंग बहालियाँ नहीं, एकेडमिक के आधार पर होगी। तो अगर मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई कि अगर सरकार, क्योंकि ज़्यादातर मांगे ये है और फेयर कंपटीशन तभी होगा कि अगर एसटीटी मार्क्स पे बहाली हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि एकेडमिक मार्क्स किस तरह से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो और हमने एक एग्ज़ाम दिया है, अगर आप सब ने तो आपको पता होगा कि आपने बहुत मेहनत करके वो एग्ज़ाम दिया और उस नंबर का अगर कोई वेटेज ही नहीं हो तो आपको उस मेहनत का कोई वैसा आपको लगेगा कि इससे अच्छा था कि मैं तो फिर मिनिमम क्वालिफाइंग कटअप ही पार कर लेता जब हमको इसके मार्क्स का कोई वेटेज ही नहीं था। तो ये एक फेयर कंपटीशन तभी होगा जब एसटीटी मार्क्स को मार्क्स पर बहाली हो। वैसे अगर एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होती है तो उसका भी हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पे लाएंगे। तो आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल पे जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपको एकेडमिक मार्क्स पे एक जो वीडियो लाएंगे उसमें मैं आपको एक फैक्ट डाटा के साथ बताऊँगा कि आखिर क्या एकेडमिक मार्क्स बन रहा है। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर बहालियाँ और होगी। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।